تجب عن الأبصار بالعزة ولا الأبصار تثبت لرؤيته ولا الأوهام تبلغ كنه عظمته الذي ذاته بذاته والصلاة والسلام على أشرف مخلوقاته وأفضل مصنوعاته أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا آغاز تقریر پر ایک ضروری اعلان اور وہ یہ کہ بعض احباب نے کل یہ خواہش کی تھی کہ تھوڑی سی وقت میں تبدیلی ضروری ہے کچھ اس لحاظ سے کہ احباب نماز جماعت میں شریک رہنا چاہتے ہیں اور عشاء کی نماز میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے اور کچھ اس لیے کہ لوگ جو دور سے آ رہے ہیں وہ راستے کو
इस कदर जल्द तय नहीं कर सकते, इसलिए ये तय पाया कि कल से बजाय इसके कि तकरीर ठीक 8 बजे शुरू हो 15 मिनट की ताखीर होगी, यानि कल से तकरीर 8:15 पर शुरू हुआ करेगी। और दूसरी गुफ्तगु तकरीर से पहले यह लाजिम है कि आपको यह इल्म हो चुका है कि हम 48वें सूरे की तफसीर करना चाहते हैं। जाहिर है कि अभी तो तफसीर शुरू नहीं हुई, तमहीद ही तमहीद है, तो यह 48वां सूरा है, सूरे फतह, जिसकी 3 आयतों की तिलावत की इज्जत हासिल की गई। और इस सूरे के मुतालिक कल मुझे कहना चाहिए था, मुझसे गलती हुई, इसलिए अपनी उस गलती पर नादिम होते हुए आज कह रहा हूं कि इस सूरे से एक रिवायत मुतालिक है, और वो ये है कि अगर कोई इस सूरे को आवाज़े रमजान पर पढ़े तो उसके लिए मासूम फरमाते हैं कि उसके अहलो आयाल की हिफाजत साल भर तक के लिए होगी। इसलिए अब आप पर यह लाजिम है कि मजलिस से फारे होने के बाद वो तारीख दूसरी सही मगर 29 आयत का सूरा है, आप बमुश्किल तमाम 7 मिनट में पढ़ लें, मगर शर्त यह है कि आप 7 मिनट की जगह 15 मिनट में पढ़ें और तर्जमा देखते जाएं, ताकि आपको ये मालूम हो कि मेरी तमहीद का इस तफसीर से क्या ताल्लुक है। 29 आयतों का ये सूरा, जैसा कि कल अर्ज किया गया, मुश्किलात कुरान, मुतशाबिहात कुरान पर मुश्तमिल है, और मदनी होने के एतबार से एक ऐसी पॉलिसी का ऐलान करता है जिस पॉलिसी में आपको ये ताज्जुब होगा कि इस सूरे में आवाज और अंजाम दोनों मोहम्मद हैं। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना पहली आयत है और आखिरी आयत है मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। इसमें ऐलान है पॉलिसी का, जरा सी रहमत दूं, है बाप ने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया और ये समझकर कि मैं अपनी अलालत के बावजूद इस बात पर मुसिर हूं कि हज़्ब शुदामद कदीम ये मजलिसें हों, तो मैंने देखा कि बहुत ज्यादा है बाप नीचे खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, जिसको जहां जगह मिल जाए बैठ जाए, जरा सा आप और नजदीक हो जाए मुझसे जरा सा, ताकि वो हजरात जो धूप इस अम्र पर थी कि शैतान के अकायद क्या है, यह गुफ्तगु थी, तो ये वजाहत कर दी गई कि शैतान तौहीद का कायल है,
खुदा के वजूद को मानता है, खालिकियत और रज़ाकियत और रहमानियत को तस्लीम करता है, बार बार कहता है रब्बी मेरे परवरदिगार, बार बार कहता है कि खलक़तनी तूने मुझे खल्क किया है, तो वो खुदा के वजूद का कायल, क़यामत का कायल है। वो कह रहा है फ़ानज़िरनी इला यौम युबअसून, मुझे क़यामत तक मोहलत दे। तौहीद का कायल है, क़यामत का कायल, अल्लाह के मुखलस बंदों के वजूद का कायल है। लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिन्हुमुल मुखलसीन, मैं सबको बहकाऊंगा मगर तेरे मुखलस बंदों को न बहका सकूंगा। वो नबुव्वत का भी कायल है, इमामत का भी कायल है, विलायत का भी कायल है, सिलसिले हिदायत का भी कायल है। जो तौहीद का कायल हो, नबुव्वत का कायल हो, इमामत का कायल हो, कयामत का कायल हो, उसमें वो क्या कमी रह गई जिससे रजीम हो गया। ये बहस कल थी, मैं वहीं से सिलसिले को शुरू कर रहा हूं ताकि आप पूरी तरह समझ जाएं। मैंने कल की तकरीर का खुलासा पेश किया। रजीम सेगे फईल है, मफ़ऊल के माना में है, मरजूम उसके माना है, यानी रांद दिया गया, हाक दिया गया। रजीम लुगत अरब में कोई अच्छी बात नहीं है, बड़ा गजबनाक कलमा है। अगर कोई शख्स किसी अरब को रजीम कह दे, मगर आप कुरान पढ़ते ही नहीं है जब तक के किसी को रजीम न कहे। कुरान पढ़ते ही नहीं है जब तक के किसी को रजीम न कहें। इसलिए ये लाजिम हो जाता है, लाजिम हो जाता है कि जहां हकीकतों का इजहार मतलूब हो, वो शैतान के अकायद पे गुफ्तगू हो या हदीस के रिजाल पर, जो हक है वो कहो। रिजाल हदीस के मुतालिक सारे उलमा ने फैसला किया, ये रावी झूठा है, ये गैरे सिका है, ये पहले ईमानदार था बाद में बेईमान हो गया, इसकी जवानी खराब गुजरी, ज़ईफी में इसको नसियान का आरेजा हो गया था, ये कमजोर से रिवायतें करता है, तहजीब जैसी किताब या सारे उलमाए रिजाल की किताबों में बस यही है कि कौन कैसा है। फिर हमको अगर कोई ये ताकीद करे कि किसी के मुतालिक कुछ न कहा जाए, तो उसके माना ये है कि गोया हम रिजाल पर गुफ्तगू ही नहीं कर सकते, हालांकि हमारी जिंदगी रिजाल से वाबस्ता है। तो ये सिलसिला आएगा कि हम रिजाल से कैसे वाबस्ता हैं। बहरहाल अब वो गुफ्तगू जो छिड़ी हुई थी उसको आगे बढ़ाएं, और आपने फैसला कर लिया, मैंने आप हजरात को मजलिस के बाद ये कहते हुए सुना कि शैतान एक अमर का कायल नहीं था, और वो अमर ये था कि
तू खालिक है, एक दिन हिसाब का भी है, तेरे मुखलस बंदे भी हैं, सिलसिले हिदायत भी है, मगर तेरे फैसले को तस्लीम किया जाए या नहीं किया जाए, यानी तेरे फैसले को हक माना जाए या नहीं माना, या तेरे हुक्म को इंसाफ पर मबनी समझा जाए या न समझा जाए। नतीजा ये कि तू आदिल है या नहीं है। देखा, सारी चीजों के बाद शैतान मुनकिर अदल इलाही, मुनकिर अदल इलाही है, बस यही है और कुछ नहीं है। और जाहिर है कि जहां फैसले से इनकार होगा, वहां पहली बात ये कि मसलहत पे नजर नहीं है, मसलहत पे नजर नहीं है, मसलहत को ताबे इल्म नहीं जान रहा है, इल्म को मुहित नहीं समझ रहा है, और इस तरह से यह समझ रहा है कि बस इख्तदार-ए-कुल है, बस इख्तदार-ए-कुल है, जिसके लिए चाहा सजदे का हुक्म दे दिया। मेरे लफ्जों पर बहुत गौर किया, बस इख्तदार-ए-कुल है, कह दिया पेशानी झुका दो, ये न देख नहीं देखा कि कौन किससे बेहतर है। तो अब भी तो दुनिया इसी मखमसे में उलझी देखिए, इख्तदार पे हर्फ नहीं है, कहते हैं कि ऐसा इख्तदार हासिल है कि चाहे तो अंबिया को जहन्नम में डाल दे, चाहे तो काफिरीन को जन्नत दे दे। इख्तदार को मानने वाले इख्तदार की वो तारीफ कर रहे हैं जो मनाफी आदल है। तो उसका नतीजा यह हुआ कि वो यह समझा कि बस उसका हो, वो भी यही कह रहा है कि यफ़अलु मा यशा, जो चाहता है वही करता, वला युसअल अम्मा यफ़अल, और उससे पूछा नहीं जा सकता कि वो क्या कर रहा है, क्यों? उसको हक पहुंचता है ये कहने का कि मेरी जात ऐन इल्म है, शाय के आगाज से लेके अंजाम तक देख रहा हूं, इसकी अहद बाहद की तब्दीलियों से वाकिफ हूं, इसके मदारिज इर्तका को देख रहा हूं, इसकी तीनियत से गुजर कर इसकी नुतफियत को देख रहा हूं, अलकियत को देख रहा हूं, मुजगियत को देख रहा हूं, इजामियत को देख रहा हूं, लहमियत को देख रहा हूं, खिलकत आखिर को देख रहा हूं, इसके बाद इसकी मंजिल तस्लीम को देख रहा हूं, इसके ईमान को देख रहा हूं, इसके तकवा को देख रहा हूं, इसकी विलायत को देख रहा हूं, इसकी नबूवत को देख रहा हूं, इसकी रिसालत को देख रहा हूं, इसके मकाम उलूल आजम पर आने को देख रहा हूं, और ये भी देख रहा हूं कि धना फतदल्ला फकाना काबा औ सैन औ अगर आज सजदा करवा रहा हूं तो कुछ जानता हूं कि इस दीन में क्या है, जान रहा हूं कि इस पैकर खाकी में क्या है। सजदा कर,
सजदा कर गुरूर न कर, किबरियाई का दावा न कर, अकल से फैसला न दे कि मेरा फैसला गलत। जहां कहीं किसी मकाम पर फैसले के खिलाफ उस इंसान के या उस अकल कुल के या उस साहेब आमर के जिसको इख्तियार कुल्ली हासिल हो, इस तरह कहीं भी अगर शुभा आ जाए, कहीं भी शुभा आ जाए, तो वहां हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि देखने वालों ने, सुनने वालों ने और हाजिर रहने वालों ने यही जाना कि मसलहत से डर गए, या मसलहत से चुप हो गए, या अपने बात को मनवाया, या अपने इल्म का तफव्वुक साबित किया। क्या बात है कि आज तक अपने आप को मुहम्मदुन रसूलुल्लाह लिखते थे, आज क्या हो गया कि अपने आप को रसूलुल्लाह के मिटाने पर मजबूर पा रहे हैं और कहते हैं मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। और जब अली ने कहा कि मेरे हाथ के लिखे हुए को मैं कैसे मिटाऊं, तो कहा आज तुमको रसूलुल्लाह को मिटाना है, कल तुमको अमीरुल मोमिनीन को मिटाना। और एक मर्तबा एक दूर के वाके की तरफ इशारा और कहा कि मैं दूर तक देख रहा हूं और तुम भी दूर तक देख रहे हो, मुझ पर यह वक्त आया है, तुम पर भी यह वक्त है, तुम पर भी यह। अभी तफसीर शुरू नहीं हुई मगर मैं सूरे को घेर रहा हूं और उसके अतराफ पर गुफ्तगु है। जमाना सुलह हुदैबिया से गुजर के गुफ्तगु बाहमी सिफ़ीन तक पहुंचा और अबू मूसा अशअरी ने एतराज किया कि अगर हम अली को अमीरुल मोमिनीन मानते तो यह मुसालहत पर गुफ्तगु न होती। आप लिखिए कि अली अबू तालिब के बेटे की तरफ से यह हुक्म है। बे अख्तियार कहा सद्दक्ता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपने सच कहा, आपने सच कहा था। और एक मरतबा हुक्म दिया मालिक मिटा दे लफ्ज अमीरुल मोमिनीन। मालिक रुके, अली ने अपने हाथ से उसको महो कर, जैसे ही महो किया 10,000 आदमी से ज्यादा एक मरतबा अली के सामने खड़े हो गए और तेग बकफ हो गए और कहा जिंदगी भर साथ दिया। ये पेशानी पर सजदों के जख्म हैं, निशान नहीं जख्म हैं, और इन पर रूई को रख के दिन भर बांधा जाता है, नमाज के वक्त खोल दिया जाता है। इन घुटनों पर निशान पड़ गए हैं, घुटनों को और हाथों को जमीन पर रखते रखते बंदगी के अलाइम हैं। रातें जाग के गुजारी हैं, दिन रोवे में गुजारे हैं 10,000 रात, और कहा जिंदगी भर तुमको अमीरुल मोमिनीन कहा, आज इस लफ्ज को तुमने मिटाया है, इसलिए अब हम यह समझते हैं कि वाकई तुम अमारत के काबिल नहीं रहे। और यह तलवार खिंची,
अली ने जिंदगी भर अपने किसी अमल पर नाज नहीं किया, अली ने जिंदगी भर कभी ये नहीं कहा कि मैं फातह कैबर हूं, मैं फातह खंदक हूं, अली ने कभी ये नहीं कहा कि मैं मौलूद काबा हूं, अली ने कभी ये नहीं कहा कि मैं रसूल का साथी हूं, मुझे इस पर फख्र है कि मैंने बदर में आगाज जंग की है, अरे मैंने उहद में रसूल को बचाने की कोशिश की है, अली ने कभी इस पर नाज नहीं किया कि मैं शब हिजरत रसूल के बिस्तर पर सो रहा था। मगर अली का एक नाज है और वो नाज ये है, अनफकातु ऐनल फितना, मैंने फितने की आग को फोड़ दिया जबकि 10,000 सजदा करने वाले मेरे सामने तलवार खेच कर आए, तो मैंने कहा अब तुमसे लड़ूंगा और बतलाऊंगा न ये सजदे काम के हैं, न ये इबादत है, न ये है अली ने। अच्छा ये खुतबे का निशान याद रखिए, खुतबे का निशान है 92 फैजुल इस्लाम, अनफकअतु ऐनल फितना, मैंने फितने की आंख को फोड़ दिया और मैंने कहा अली ने नास किया है, तो नास का जुमला ये है वला यजतरी अलैहा अहदुन गैरी, और सिवा मेरे किसी की मजाल नहीं थी जो ऐसे अमल पर जुरअत करता। आपने देखा काफिर नहीं थे, कलेमा गो थे, फकत कलेमा गो नहीं थे, इबादत गुजार थे, फकत इबादत गुजार नहीं थे, जाहिद थे, दुनियादार न थे, दुनिया को ना चीज समझने वाले थे, मगर फकत एक अमर की मुखालफत थी, फकत एक मसलहत को न समझ सके थे, तो अली ने बतलाया कि ये शान किबरियाई का मजहर, जब कयाम की मंजिल पर आता है तो फिर ये नहीं है कि ये पेशानी पर सजदे के निशान क्यों है, ये नहीं है कि ये नमाजें किस तरह से पढ़ी गई, ये नहीं है कि रोजे कैसे रखे गए, ये नहीं कि कयामत का अकीदा है कि नहीं, ये नहीं कि खुदा को वाहिद जानते हैं कि नहीं, ये नहीं कि नबुव्वत इमामत को मानते हैं कि नहीं, नहीं फकत वही रोजे अव्वल की बात कि फैसले को क्यों नहीं माना, फैसले को क्यों नहीं माना, और खुसूसन जब फैसला साहेब आमर दे, साहेब आमर हाँ मैंने मिटा, हाँ मैंने मिटाया, अपने हाथ से मिटाया, लफ्ज़े अमीरुल मोमिनीन को मिटाया, तुमको मानना चाहिए था, तुमको देखना चाहिए था, तो आप फिर वापस आइए, अन्ना फकातु ऐनल फितना, मैंने फितने की आंख को फोड़ दिया, वल्ला यजतरी अलैहा अहदुन गैबी, और इस बात की सिवा मेरे किसी में जुरअत न थी, इज़्तद्दा लहबहा, जबकि इसके शोले इतने बुलंद हो चुके थे, इतने बुलंद हो चुके थे,
और इसकी तारीकियां इतनी घिर चुकी थीं कि मेरे लिए कोई सूरत ही नहीं थी कि मैं दुनिया को आखिरी मर्तबा यह बतला दूं, यह बतला दूं कि यह तारीकियों को रोशनी से हटना चाहिए और इस तरह से मैंने फाड़ दिया तारीकियों को रोशनियों को निकाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अऊज़ु बिरब्बिल फलक। मैं पनाह मांगता हूँ उस परवरदिगार से जो फाड़ता है, जो चाक करता है, जो तारीकी को रोशनी से अलग करता है। और फिर मिन शर मा कला, मखलूक के उस शर से जिसको पैदा किया है, उसको शर बना के नहीं पैदा किया है बल्कि मखलूक हो जाने के बाद किसी ने जो शर का रास्ता इख्तियार किया उस शर से बचाना जरूरी है। हिदायतें तेरी तरफ से मुकम्मल है। शर को तूने खल्क नहीं किया, तूने खल्क किया इंसान को, तूने खल्क किया कायनात को। वो खैर ही खैर है, शर इजाफी है, शर निसबी है, शर निस्बत के साथ है। बिच्छू का जहर बिच्छू की जिंदगी है, लेकिन मुझे डंक मारे तो वो शर है, निस्बत से शर है, असल में शर नहीं है। सांप का जहर सांप की हयात है, लेकिन मुझे डसे तो वो निस्बत से शर आया। तूने इसलिए सांप को नहीं बनाया था कि ये इंसान का कातिल बने, तूने सांप को इसलिए बनाया था कि वो जिए और उसकी हयात के लिए उसका जहर लाजिम है, उसकी हयात के लिए उसका जहर लाजिम है। बिल्कुल इस तरह से तूने शैतान को शैतान बना के नहीं पैदा किया। शैतान को शैतान बना के नहीं पैदा किया, वो बन गया, वो बन गया इसलिए कि जिसमें इतनी तमीज है कि तेरी खालिकियत को मानकर कयामत तक के लिए गवाही दे, और फिर तेरे मुखलस बंदों में तमीज कर सके, मुखलस बंदों में तमीज कर सके तो ऐसा, और फिर उसको तू ही बहका दे, उसको तू ही शैतान बना दे। तो ये हम कैसे फैसला करें जबकि हम जान रहे हैं कि उसको जो अक्ल दी गई है उस अक्ल के एतबार से तो वो तस्लीम कर रहा है हर अमर को, सिवा इसके कि एक हुक्म को नहीं मानता कि मैं उससे बेहतर हूं। अन खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूं। फखरुज मिन्हा इन्नका रजीम, निकल जाओ यहां से, तुम रांदे बारगाह। मैं देख रहा हूं जिसको मिट्टी से बनाया है उसको कयामत तक, मैं देख रहा हूं तुझको कयामत तक कि कौन किसको कहां बहकाएगा,
मैं देख रहा हूँ कि मुजाहमतों पर कौन कहाँ काबू पाता जाएगा और कौन मेरी बारगाह में तकर्रुब हासिल करेगा। जाओ जाओ मोहलती, तुमको इजाजत है, तुमको इजाजत है, हम भी इंतजार करते हैं, तुम भी इंतजार करो। अब ये कयामत तक बहुत गौर से सुनो। अब यही खुदबा जिसका निशान 92 है, जब कहा अन्नफका तो इनल फितना, और फिर कहो कि किसी की मजुरात नहीं है, अहदन गैरी सिवा मेरे के जो इस काम पर एकदम करे, इसलिए कि मैं चाहता था कि रोशनी आश्कार हो और तारीख ही छड़ जाए। देखिए अब इस मंदिर पर, यह वो मंजिल है जो आज तक यकीनन बहुत सौ को नहीं मालूम है। इस खुतबे में अब कहा कि आवाज़ें सलूनी कबलान तक दूनी, अगर आज शक है तो अब अली से पूछ लो। आपने देखा इस खुतबे में है यह जुमला, जंग नहरवान के मौके पर तकरीबन पूरे लश्कर को कत्ल करके, जिसमें कुल 9 आदमी बचे हैं, कुल 9 आदमी बचे हैं और अकेला शमशीर जन ये कहता जा रहा था कि फितने की आंख को फोड़ रहा हूं। उसके बाद ये कहा पूछो सलूनी, मुझसे पूछो, कबल इसके कि मैं हटा लिया जाऊं, जंग नहरवान है, माह मुबारक रमजान है, 21 को फिर तफसीली गुफ्तगु होगी, पूछो मुझसे पूछो। इसके बाद आप मालूम है क्या था? मुझसे ये पूछो कि कयामत तक आने वाले काफिलों का हाल क्या होगा, इसका राहबर कौन होगा, इसके पीछे चलने वाले कौन होंगे, कौन सा काफिला जन्नत में जाएगा, कौन सा काफिला जहन्नम में जाएगा, अली से पूछो। खुदबा निशान बयान, देखिए ये एक ही है मासूमीन की मंजिल पर कि जिसने इस शान का खुदबा दिया है। मुकाबिल में नमाजी थे, मुजाहिद थे, रोजगार वो था कि जहां दुनिया कहती थी जाहिद हैं। सिफीन में अली के साथ थे, जमल में अली के साथ थे, लड़ाइयों में आखिरी लड़ाइयों में खैबर और खंदक में मौजूद थे, ज़कात के देने वाले थे, मगर अम्र इमाम की मुखालिफत की, मसलहत को न जाना, मसलहत को न जाना, हुक्म हुआ अब मेरा फरीजा है, अब मेरा फरीदा है कि नकाब को उठा दूं, मेरे सिवा किसी और को जरूरत नहीं। इसके माना क्या है? इसके माना यह कि मैं अकेला मैं नहीं, मुझ अकेले का जो काम है वो इजमाए आले मोहम्मद। वो इजमाए आले मोहम्मद है, यानी अगर मेरा ये अमल है तो इसको कबूल करो, इसको कबूल करो, अल्लाह का फजल है। जाहिर है कि मैं ने आपका कुछ वक्त लिया, मेरी तमहीद फिर भी अधूरी रह गई, कहां तक मुझे जाना है इस सिलसिले में नहीं मालूम, इसलिए कि बहुत से मकामात कुरान मजीद में इस तरह से हैं कि जहां आपको काफी तवज्जो की जरूरत पड़ेगी कि आप इस सूरे को समझें, कमा हक्कहू समझें। इसलिए एक बात आखिर में
اور وہ یہ کہ جب علی یہ کہتے ہیں کہ انا فقعت عین الفتنہ, میں نے فتنے کی آنکھ کو پھوڑ دیا, خیبر میں نہیں کہا, کفار تھے, خندق میں نہیں کہا, یہودی تھے, احد میں نہیں کہا, کفار قریش تھے, جمل و صفین میں نہیں کہا, مگر جس منزل پر ساتھی بگڑ جائے خدا کے لیے, جس منزل پر ساتھی بگڑ جائے, ماں فیصلہ علوی ہے کہ اب ان کو اجازت نہ دی جائے رہنے کی, اب ان کو اجازت نہ دی جائے رہنے کی, اور دنیا کی تاریخیں اس واقعے کو لکھیں. آپ کو معلوم ہے مورقین نے خیبر کا انکار کر دیا, مسلم مورقین نے واقعے خیبر کا انکار کر دیا اور کہا کہ یقیناً ایک لڑائی ہوئی ہے مگر یہ اسلام کی نہیں ہے, اور نہ کوئی مرہب نامی پہلوان تھا, خیبر کا انکار کر دیا. قندق میں عمر بن عبدود کا انکار کر دیا. مگر ایک عجیب بات یہ ہے کہ مسلم مورخ نہروان کا انکار نہ کر سکا, نہروان کا انکار نہ کر سکا, بس ہو گئی آج کی تقریر, کبھی کہہ چکا تھا پھر کہہ رہا ہوں, نہ انکار کر سکا نہروان کا, نہ علی کو خلافت راشدہ سے ہٹا سکا, نہ علی کو خلافت راشدہ سے ہٹا سکا, اور دنیا کو رضی اللہ عنہ کہہ کے گزر گئی دنیا, مگر علی کا نام آیا تو کرم اللہ خدا.